बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द टिश्यू फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम किस तरह से प्रिपरेशन ऑफ टिश्यूज़ करते हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकें और देख सकें कि एक टिश्यू के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो आप फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप टिश्यू को फिक्स कर सकते हैं, वो आप ग्लूटामेटल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज़ करते हैं। फिक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिक्सेशन की वजह से जो टिश्यू होता है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो जिस वक्त आप स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें फिक्स टिश्यू होने की वजह से आप आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं कि टिश्यू के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। अगर आप उसको फिक्स नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आप सही तरह से एग्जामिन नहीं कर सकेंगे। फिक्सेशन के बाद एपॉक्सी रेजिन के अंदर डाला जाता है, जिसकी एग्जांपल इन्होंने एरल्डाइड दी है, जिसके अंदर इम्बेडिंग होती है। इम्बेडिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मज़ीद फ्रेमनेस प्रोवाइड करने के लिए आप आफ्टर फिक्सेशन आप इम्बेडिंग प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आप सेक्शनिंग करेंगे, जिसमें आपका जो कॉन्टेंट है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, उसकी सेक्शनिंग करेंगे। और इसके अंदर आप एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको आप अल्ट्रा माइक्रोटोम्स कहते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ करने के जो प्रोसीजर है इसको आप माइक्रोस्कोपी कहते हैं, विच प्रोड्यूस द अल्ट्रा थिन सेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 100 नैनोमीटर इन थिकनेस। यानी इंतहाई छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो इसमें आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो यू कैन ईजिली एग्जामाइन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड दीज अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर जो सेक्शंस आपको मिलते हैं उसके बाद आप उनकी स्टेनिंग करते हैं। तो हमने जो टिश्यू फिक्सेशन की, उसके बाद इम्बेडिंग की, इम्बेडिंग के बाद सेक्शनिंग की अल्ट्रा माइक्रोटोम्स जो है मशीन्स के अंदर, उसके बाद हम उसकी फर्दर स्टेनिंग करते हैं ताकि हम एग्जामिन करते वक्त अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं एसिडिक डाई और बेसिक डाई के थ्रू। क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं और जो इंटरस्टिशियल कॉन्टेंट है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मोस्टली उसकी कोई कलरिंग नहीं होती, तो आप अच्छी तरह से उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर सकते। इसलिए जब आप स्टेनिंग करते हैं तो आपके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स को स्टडी करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हिस्टोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर जब भी आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें, इसका मतलब है कि आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, और अगर आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट स्टेप आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, आप फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, इम्बेडिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, देन यू हैव टू मेक कंपार्टमेंट्स और सेक्शंस, तो उसमें आप अल्ट्रा माइक्रोटोम्स मशीन यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे सेक्शनिंग्स करने के बाद आपने बेसिकली स्टेनिंग करनी है, जिसके लिए आप लेड सिट्रेट और यूरिनाइल एसीटेट यूज़ करेंगे। एंड देन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज़ कंसिडर्ड टू बी द लाइट माइक्रोस्कोप वेयर इज ट्रांसमिशन